Next, in Marcuti's theory, we are continuing more examples. So let us see example number 3. So in this case, so XYZ investments limited has investment in 3 securities. So which are XYZ, उनके return भी हैं, उनका risk भी है और उनके correlation आपको दिए हैं. तो लेके से डाटा देखते हैं क्या दिया है आपको. सिक्योरिटी है आपकी एक्स वाई जेड, उनकी है रिटर्न जिसको हम कह सकते हैं आर आई, और ये परसेंटेज में दी है. फिर इनका आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जब रिटर्न परसेंटेज में होती है तो रिस्क भी समझो परसेंट में होता है आपका. कोरिलेशन भी है आपको जिसको हम शो करके हैं रो से. तो रिकरिंग देखो आपको दी है 20%, 30%, 40%, रिस्क की जो 4, 5, 3. कोरिलेशन आपको दिया है एक्स वाई जिसे 0.4, देन कोरिलेशन ऑफ वाई जेड जिसे -0.6, कोरिलेशन ऑफ एक्स जेड This is also -1. ये नेगेटिव में है. तो आपको फाइंड आउट करना है तो रिटर्न एंड रिस्क ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज. तो फर्स्ट केस है आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है, इन्वेस्ट इक्वली इन ईच सिक्योरिटी. इन्वेस्टर इन्वेस्ट इक्वली इन ईच सिक्योरिटी. तो इक्वली का मतलब है कि जो तीनों का वेट है वो बन जाएगा 1/3. देखो एक्स वाई एंड जेड. तो आप रिकर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो की. तो तीनों के रिकर्न है आपके 20 प्लस 30 प्लस 40. सभी को मल्टीप्लाई करना था हमने 1/3 से, तो 1/3 कॉमन हो गया आपका. तो किसी इक्वल को 30%. फिर आपको कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिस्क. तो पोर्टफोलियो रिस्क 3 सिक्योरिटीज है. फार्मूला है इंडिविजुअल रिस्क 4, इसका स्क्वायर, इसके वेट का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर. इंडिविजुअल रिस्क ऑफ वाई जैसे 5 स्क्वायर, इट्स वेट स्क्वायर. इंडिविजुअल रिस्क ऑफ जेड जैसे 3 स्क्वायर, इनको 1/3 वेट स्क्वायर. प्लस फिर आते हैं इंटरेक्टिव रिस्क 2 × कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई इनटू वेट्स 1/3 1/3 प्लस इंटरेक्टिव रिस्क ऑफ वाई जेड कोरिलेशन -0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई जेड 5/3 इनटू उन्हीं के वेट्स आ जाएंगे 1/3 1/3 प्लस 2 times इंटरेक्टिव रिस्क ऑफ एक्स जेड कोरिलेशन -1 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स और जेड 4 और 3 वेव्स आर 1/3 एंड 1/3. इक्वल वेव चल रहे हैं आपका. तो आप देखेंगे 1/3 का स्क्वायर जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है इसमें. तो इट मीन्स पोर्टफोलियो जो वेरियंस है 1/3 का स्क्वायर कॉमन कर दी गई. ये बन जाएगा 1/9 से डिवाइड जिसे जो 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 × 0.4 कोरिलेशन है. 5 × 4 20 × 2 80 × 0.4 30 को. तो जिसे जो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर साइन आपको जिसे जो 15 × 2 30 30 × 6 18 दिस इज ऑल्सो नेगेटिव माइनस 4 × 3 12 × 2 24. दिस विल बी पोर्टफोलियो फॉर रिस्क. सो दिस इज 16 + 9 25 50 50 and + 30 = 82 - 18 - 24. दिस इज 40/9. तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए 9 से वेरियंस जो कमिंग जैसे जो अगर 40/9 4.42. फर्स्ट एंगल रिलेशन आ जाएगा अंडर रूट
4.44, 2.108, दिस इज अवर पोर्टफोलियो रिस्क। सेकंड उन्होंने पूछा है बी पार्ट में आपको सेम, इन्वेस्टर इन्वेस्ट 40% इन एक्स को आपको वेट ऑफ एक्स दिया है 40%, एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट 40% इन वाई, वेट ऑफ वाई इज ऑल्सो 40%, एंड इन जेड इन्वेस्टर इन्वेस्ट 20%, तो वेट बन जाएंगे आपके 0.4, 0.4, 0.2, उससे रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। रिटर्न ऑफ एक्स 20 इंटू 0.4 प्लस 30 इंटू 0.4 प्लस 40 इंटू 0.2, दिस इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 8 प्लस 12 प्लस 8, 28%। तो ऐसे आप रिस्क में देखिए, तो रिस्क में भी आपको बस अब रिस्क में क्या है, वेट चेंज करेंगे हम, जिसे 0.4 स्क्वायर, जिसे आल्सो 0.4 स्क्वायर, जिसमें जो 0.2 स्क्वायर, अगेन गिल्ड वेट्स, तो किसी का ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई उसका वेट है 0.4, 0.4, अगेन वाई क्या जो उसका वेट है 0.4, 0.2, एक्स क्या जो 0.4, 0.2, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। तो बस के लिए पोर्टफोलियो रिस्क अगेन लेट अस सी, तो वेट्स हो गए आपके नंबर है, रिटर्न है इसका 28%। तो आपका रिस्क आ जाएगा, तो रिस्क की जो कमी होगी जैसे 0.16 इंटू आवर 16, 2.56 प्लस 25 इंटू 0.16, 4 प्लस 9 इंटू 0.2 इंटू 0.04, 0.36, तो दिस इज कमिंग 0.16 इंटू 20 इंटू 0.8, 2.56, एंड दिस विल बी नेगेटिव 0.08 इंटू 15 इंटू 1.2, 1.44, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज 24 इंटू 0.08, 1.92, तो हाउ मच इज अवर वेरियंस, 2.56 प्लस 4.36 प्लस 2.56 माइनस अवर 1.44 माइनस 1.92, तो वेरियंस है आपका 6.12, बाकी का स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर रूट 6.12, 2.2474, तो दिस इज अवर स्ट्रैंगुलेशन। तो नेक्स्ट वी हैव अवर थर्ड केस भी आपको दिया है, अब आपके फिर वेट्स चेंज हो रहे हैं इन थर्ड केस। नाउ वी आर सेइंग व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एक्स 30% एंड इन वाई इन्वेस्टर इन्वेस्ट अगेन 30% एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन गेट 40%, आपके वेट्स आ जाएंगे 0.3, 0.3, 0.4, तो बच्चे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 20 को 0.36, 13 को 0.39, 14 को 0.4, 16, 31%। बच्चे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वेट चेंज कर रखे हैं, अब एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा आपका 0.3 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 0.3, दिस विल बी 0.4, दिस इज 0.3, 0.3, यानी किसी जो 0.3, 0.4, 0.4 एंड 0.3, यानी कैन सोल्व दिस वन आल्सो, वेस्ट चेंज कर दिए हमने, बट इज पोर्टफोलियो वेरियंस 16 इनको 0.09, 1.44, 25 इंटू 0.09, 2.25,
दिस इज पॉइंट 16 इनटू 9, दिस इज 1.42 प्लस दिस इज 20 इंटू 2, 40 इंटू 0.4, 16 इंटू 0.09, 1.44. दिस इज नेगेटिव 18 माइनस, सो 18 इंटू 0.12, 2.16 माइनस 24 इंटू 0.12, 2.88. दिस इज पोर्टफोलियो रिस्क 1.44 इंटू 3 प्लस 2.25 माइनस 2.16, 0.16 माइनस 2.88, 1.253. इसका कर लीजिए कैंगल विष्णु पोर्टफोलियो अंडर रूट ऑफ 1.53, 1.237. दिस इज अवर पोर्टफोलियो रिस्क. नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल नंबर 4. सो इन दिस केस यू आर गिवन दैट चीफ इकोनॉमिक ऑफ हरिकेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस है कि डेवलप एन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग टर्म्स ऑफ 3 इकोनॉमिक सिनेरियो. 3 आपको इकोनॉमिक इवेंट्स ये रखी है, उसका एनालिसिस किया है. ईच ऑफ विच ही बिलीव्स इज इक्वली लाइकली टू अकर, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. बेस्ड ऑन दिस फोरकास्ट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है प्रिपेयर द फ्लोइंग फोरकास्ट फॉर एनुअल रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा एंड बीटा कॉर्पोरेशन. और दो शेयर हैं अल्फा एंड बीटा, उनकी रिटर्न आपको दी है. तो लेट अस सी व्हाट डाटा इज गिवन. एग्जांपल नंबर ये आपको इसको इकोनॉमिक इवेंट्स आपको दी है. इकोनॉमिक इवेंट्स तो दिस इज रिसेशन, यानी कि ग्रोथ है कि बूम. और फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी मेंशन की है. और फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एच इवेंट इक्वली लाइकली, इट मीन्स 1/3. अब आपको रिकर्न भी है अल्फा स्टॉक की, तो उसको रख लेते हैं रिकर्न ऑफ अल्फा. ये रिकर्न है आपके माइनस 12, 15, 42. ऐसे आपको भी है रिकर्न ऑफ बीटा स्टॉक, दिस इज माइनस 14, 11 एंड 24. और एक आपको ली है रिटर्न ऑन ए क्रेडिट बिल्स, की बिल्स. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसकी रिटर्न सेम है आपकी हर साल. तो आपको इसको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करनी है आपको रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. इसमें दो केस हैं. तो पहला केस है कि 50% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अल्फा में, 50% बीटा में, उसकी रिटर्न और रिस्क निकालेंगे. एक दूसरा केस है 40% अल्फा में, 40% बीटा में, 20% क्रेडिट बिल में, उसकी रिटर्न और रिस्क निकालेंगे. तो उसके लिए पहले आपको सबसे पहले क्या चाहिए रिस्क के लिए, हमें दोनों का इंडिविजुअल रिस्क तीनों का, फिर इनके आपस में को वेरियंस ही चाहिए. तो पहले वो कैलकुलेशन करके हम फिर आपका फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट लेके से रिटर्न ऑफ ए, जिसे रिटर्न इनकू प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 है आपकी. ये सिंपली हो जाएगा माइनस 12 प्लस 15 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 3, जिसे 15%. फिर आपको रिस्क निकालना है, रिस्क ऑफ ए आप वेरियंस ही निकाल सकते हैं. फार्मूला है आर ए माइनस मीन आर ए का स्क्वायर इनकू प्रोबेबिलिटी उसका समेशन, ये वेरियंस आ जाएगा. तो एक कॉलम बनाते हैं पहले आर ए माइनस मीन आर ए, जिस माइनस 15 माइनस 27 जिसे 0, 27. अब इसका करते हैं स्क्वायर, आर ए माइनस मीन आर ए स्क्वायर इनकू प्रोबेबिलिटी. तो 27 का कीजिए आप स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा ये. और उसको करके इनकू 1/3 डिवाइडेड बाई 3, 243 इसी 0 एंड 243. इसका जो समीशन है ये आपका आ रहा है 486. तो यही आपका आ गया वेरियंस 486. तो यही चाहिए आपको. ऐसे करके अब हम सिक्योरिटी नंबर बी का को आप निकालिए रिटर्न ऑन बी. रिकर्न है 14 इंटू 1/3 जिसे माइनस 14
प्लस 11 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 10.3, इसे से हमने बताया। अब इसका वेरियांस आ जाएगा बी का, इसका कॉलम बनाइए आप आर बी माइनस आर मीन आर बी माइनस 43 माइनस 7 माइनस 21 डीसी 4 24 डीसी 17, यानी कि जो आर बी माइनस मीन आर बी इसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, तो 21 स्क्वायर हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 3 डीसी 147 16 डिवाइडेड बाय 3 5.33 17 स्क्वायर है 289 डिवाइडेड बाय 3 96.33 तो प्लस 5.33 प्लस 147 इसे जो 248.67 ये इसका वेरियंस आ जाएगा। गैन रिटर्न ऑफ क्रेडिबल ये एवरेज रिटर्न ये खुश के सभी 10 ही है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 जिसे आसो 10 इसका वेरियंस आ जाएगा जिसे आर पी माइनस मीन आर पी जिसे 0 0 10 में से सभी गए 0 और जब आपका वेरियंस निकालोगे आप आर पी माइनस मीन आर के का स्क्वायर किया अपने इनको प्रोबेबिलिटी की समेशन ये भी आपका 0 आ गया। उसकी कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, जो क्रेडिट बिल है ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है तो उसका रिस्क भी हमेशा 0 ही होता है क्योंकि रिस्क फ्री में कोई रिस्क नहीं है जिसमें स्टेबल है रिटर्न आपके। अच्छा अब आपको निकालने हैं तीन कॉम्बिनेशन को वेरियांस, पहले ए और बी का वो वेरियांस ऑफ ए बी, देखो उसका फार्मूला है रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ ए इनटू रिटर्न ऑफ बी माइनस रिटर्न ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू समेशन। तो कॉलम बनाते हैं आर ए माइनस मीन आर ए इनटू आर बी माइनस मीन आर बी इनटू प्रोबेबिलिटी, देखिए आर ए की गेस आर बी की गेस 27 इनको 21 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे 27 इनको 21 इनको 1 बाई 3 मीन डिवाइडेड बाई 3 189, तो ये है आपका 0 दिस विल बी 0 देन 27 इनको 17 इनको 1 बाई 3 मीन डिवाइडेड बाई 3 9 इनको 17 153, तो इसका टोटल जो है ये आपका को वेरियंस आ गया ए और बी का 342। अब देखिए कोवेरियंस आपको निकालने हैं अब इसमें ए का टी के साथ, इसमें आप लोग देखो आर ए माइनस मीन आर ए इनको आर के माइनस मीन आर के इनको प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ बी विद टी, इसमें यहाँ पर बी आ जाएगा माइनस मीन आर बी इनको आर के माइनस मीन आर की, ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 342। पर आप देखोगे आर की माइनस मीन आर की जो है वो सारे ही जीरो हैं, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आर ए माइनस मीन आर ए या आर बी माइनस तो इनका कोवेरियंस भी जीरो ही आ जाएगा। उसके मैं देखता हूँ कंक्लूजन क्या है आपकी, अब आप रिस्क और रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो के। तो पहले कोई कोई रूल बन गया आपका, सिक्स रूल है आपका, नंबर वन ये जो रिस्क है रिस्क मीन्स स्ट्रैंगल डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इट ऑलवेज जीरो, ये आपका हमेशा ही जीरो होगा। सेकंड यदि आप इसका को वेरियांस निकालोगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी का किसी भी सिक्योरिटी के साथ, को वेरियांस ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी विद एनी सिक्योरिटी इज ऑल्सो जीरो, ये भी आपका हमेशा ही जीरो होगा।
रिस्क फ्री का स्ट्रेंगलेशन इसको हम शो कर सकते हैं, स्ट्रेंगलेशन एफ होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी जीरो एंड को वेरियंस ऑफ आई एच सिक्योरिटी विच इज रिस्क फ्री इज जीरो, क्योंकि रिस्क फ्री की जो रिटर्न है ना हम आर एफ से शो करके हैं ना, रिस्क फ्री आर एफ तो हम एफ मीन्स रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो आपने देखा उसका को वेरियंस भी जीरो होता है और उसका रिस्क भी जीरो ही होता है। चलो अब करते हैं केस नंबर वन, आपके पास तीन स्टॉक्स हैं, अल्फा है, बीटा है और रिस्क ये है क्रेग बिल, रिकरमेंट क्रेग बिल। तो पहले केस में आपने अल्फा में इन्वेस्ट करना है 50% और बीटा में इन्वेस्ट करना है 50%। अब उसकी निकालेंगे रिटर्न ऑफ रिस्क, तो रिटर्न आएगी पोर्टफोलियो की, ए की रिटर्न है 15, वेग है 50%, उसकी रिटर्न है 7, वेग है 0.5, जैसे ये 11% रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये दो सिक्योरिटीज हैं उसका फार्मूला अप्लाई करके हैं, रिस्क ऑफ ए, ए का रिस्क है 4x6, उसका वेट का स्क्वायर, रिस्क ऑफ बी 248.67, वेट का स्क्वायर प्लस 2 × कोवेरियंस है ए और बी का 342 × वेट ऑफ ए एंड ऑफ बी। अब वेट का स्क्वायर जो हो गया 0.25 आ गया कॉमन, बाकी आपके ये सारे ऐड हो जाएंगे 684 ये 684 है प्लस 248.67 प्लस 486 जिसी जगह बनेंगे भी 1418.67, इनको कर लीजिए आपको 0.25 किसी के 354.67, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर लीजिए अंडर रूट 354.67 अंडर रूट 18.83%। अब देखते हैं जब आप ले रहे हैं सेकंड केस में, उसमें आपने तीनों सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। केस बी, केस बी में आपको देखो वेट दिया है अल्फा में आपको इन्वेस्ट करना है 40%, बीटा में भी 40% और ट्रेजरी बिल में आपको इन्वेस्ट करना है 20%। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है 15 अल्फा के, वेट है 40, बीटा के रिटर्न है 7, वेट है 40, ट्रेजरी बिल के रिटर्न है 10, वेट है 20%। This is 6 plus 2.8 plus 2, तो 10.8% की जगह रिटर्न। फिर आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, अब व्हाट इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, जिसमें तीन सिक्योरिटीज का रिस्क है, रिस्क ऑफ ए 486, इट्स वेट स्क्वायर, रिस्क ऑफ बी 248.67, वेट इज 0.4 स्क्वायर, रिस्क ऑफ ट्रेजरी बिल जिस इज 0, को कोवेरियंस ऑफ ए बी, कोवेरियंस है 342 × वेट 0.4 0.4। फिर आते हैं कोवेरियंस ऑफ ए बी की, ये भी 0 है, कोवेरियंस ऑफ बी बी की 0, तो तीन आइटम्स आपकी 0 हो गई है, तो 0.16 0.16 आपका कॉमन आ जाएगा, भैया लेफ्ट ले दो 486 प्लस 486 प्लस 248.67 प्लस 684 × 0.16, तो आंसर है आपका 226.987। एंड व्हाट इज द स्ट्रैंगलेशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर लीजिए अंडर रूट दिस इज 15.07%, ये आपका रिस्क आ गया पोर्टफोलियो। एक गुड क्वेश्चन का इसमें हमने डिस्कस किया, पहले हर सिक्योरिटी की रिटर्न निकाली फुल क्वेश्चन का, ये फिर सभी का रिस्क निकाला, फिर सबके इंटरेक्टिव रिस्क निकाले कोवेरियंस, फिर आपने फार्मूला अप्लाई किया पोर्टफोलियो का। पहले केस में क्या दो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो, सेकंड केस में क्या तीन सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो।
नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है मार्कोवी के पोर्टफोलियो में, जिसमें जो कहा गया है जो लीवरेज जो पोर्टफोलियो, लीवरेज पोर्टफोलियो में क्या होता है, हम कुछ मनी बोरो करके हैं, वी बोरो सम फंड्स एंड विच आर इन्वेस्टेड इन अनसिक्योरिटी, हम जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी में। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट उसको हम कहते हैं फंड्स आर गोइंग आउट, जिसे कहा गया आउटफ्लो, फंड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, आउटफ्लो है। जब आप बोरो करते हैं, जिसे बोरोइंग, तो फंड्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं, जिसे कहा गया इनफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट का जो वेग है ये हम शो करते हैं पॉजिटिव, कि आपने मनी इन्वेस्ट किया है पॉजिटिव वेग है, इट मीन्स अब जो बोरोइंग है उसका जो वेग होगा वो हमेशा होगा नेगेटिव, तो वे को बोरोइंग है जो नेगेटिव। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें आपको दो स्टॉक दिए हैं एबीसी एक्स वाई जेड, और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिए हैं 0.05, 0.10। कोरिलेशन है दोनों का, कोरिलेशन इज आल्सो गिवन 0.6। सो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन गेन फ्रॉम फॉर्मिंग ए पोर्टफोलियो दैट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू ईच स्टॉक। अब आपने क्या पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपने बताना है पोर्टफोलियो बनाने से कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन गेन, लेकिन जो वेट है वो आपका इक्वल है 0.5, 0.5। तो डाइवर्सिफिकेशन गेन क्या होता है, कितना रिस्क रिड्यूस हो रहा है हमारा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप निकालो कि आप पोर्टफोलियो नहीं बनाते तो उनका मैथमेटिकल एवरेज रिस्क कितना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल एवरेज रिस्क, वो क्या सिंपल वेटेड एवरेज मैथमेटिकल, दिस इज स्ट्रैंगुलेशन वेटेड एवरेज, ये है 0.05, इसका वेग भी 0.5 है, दूसरे का है 0.10, वेग है 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 0.075। अब आप निकालिए एक्चुअल पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, एक्चुअल पोर्टफोलियो रिस्क एंग्रीवेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब ये रिस्क है 0.05, इसका स्क्वायर कीजिए, इनको वेग स्क्वायर 0.1 इंटू 0.5 स्क्वायर टू इंटू कोरिलेशन। अब आपको ये टू टाइम कोवेरियंस, कोवेरियंस होता है कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 इंटू 0.10 इंटू वेट 0.5। अब देखेंगे 0.5 स्क्वायर 0.5 इंटू 5 स्क्वायर, वेट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 0.25, बाकी बचा आपका 0.0025 प्लस 0.01 प्लस 2 इंटू दिस 1.2 इंटू 0.05 इंटू 0.1 जैसे 0.006। सो प्लस 0.01 प्लस 0.025 इंटू 0.25 जैसे कमिंग 0.004625। तो यहाँ से आपका पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा, तो लेके से बाकी गैप रिस्क पोर्टफोलियो रिस्क एक्चुअल में इसका कर लीजिए अंदर 0.0462 जिसे 0.068। तो ये देखो रिस्क आपका जो है ये इससे कम है मैथमेटिकल एवरेज रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन गेन कितना होता है हमारा, डाइवर्सिफिकेशन गेन इसका नाम होता है कि आपका रिडक्शन कितना हो रहा है रिस्क में, रिडक्शन इन रिस्क, तो उसको मैथमेटिकल एवरेज से कंपेयर करना है आपने 0.075 माइनस 0.06।
ये आपका रिड्यूस हो गया है 7.007। और अगर आपको निकालना है कितने परसेंट का रिडक्शन हो रही है, तो 0.007 को कंपेयर कीजिए मैथमेटिकल एवरेज इनको 100। सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाई अवर 0.075, 9.33% आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया है पोर्टफोलियो बनाने से। नेक्स्ट वी हैव फ्रोजन एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें आपको गो सिक्योर की गई हैं, आपको दी हैं सिक्योरिटीज एक्स वाई, उनकी रिटर्न आपको दे रखी है आर आई 12% एंड 15% रिटर्न है परसेंटेज में। फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 15-20, ये भी है परसेंटेज में। फिर उनके वेक्स आपको दिए हैं डब्लू 0.4, 0.6। आपको बताना है बाकी के मैक्सिमम एंड मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोरिलेशन। तो व्हाट इज योर मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्क फॉर डिफरेंट कोरिलेशन। आपको पता है कोरिलेशन की वैल्यू होती है +1 से लेके -1 के बीच में। मैक्सिमम रिस्क कब होता है? व्हेन कोरिलेशन जब आपका है +1। मिनिमम रिस्क कब होता है? जब कोरिलेशन होता है आपका -1। अगेन नो कास्टिंग जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। अब आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए पहला केस। बाकी मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिस्क मैक्सिमम, तो कोरिलेशन +1 है फार्मूला का। रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी 15² × 0.4² प्लस 20² × 0.6² प्लस 2 × कोरिलेशन 1 × स्टैंडर्ड डेविएशन 15-20 × weight 0.4, 0.6। So this will be over 2.25 × 0.16 × 5 × 0.16 36। इसे 400 × 0.36 144 प्लस जिसे 3600 जिसे 600 × 0.24 144 प्लस 144 प्लस 36 जिसे 324। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा पोर्टफोलियो का, इसका कर दीजिए अंडर रूट 18। जो कोरिलेशन 1 होता है हमने यह कहा कि जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है, आप सिंपली भी कर सकते हैं रिस्क ऑफ 1 × weight रिस्क ऑफ 2 × weight। तो देखो 1 का रिस्क है 15, वेट है 0.4, दूसरे का रिस्क है 20, 0.6, 6 + 12, 18 आपका रिस्क आ जाएगा, वो वेरीफाई हो गया। ये हमारा मैक्सिमम रिस्क है पोर्टफोलियो का जब कोरिलेशन 1 है। अब ये -1 है कोरिलेशन, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए बी, उसको हम कहते हैं मिनिमम कितना रिस्क होगा आपको, बस यहाँ पर माइनस कर देंगे कोरिलेशन आपका -1 आ जाएगा -1, इट मीन्स ये आपका माइनस हो जाएगा, बैलेंस रह गया आपका 36। मिनिमम जो रिस्क आएगा आपका 36 का कर दीजिए आप अंडर रूट जिसे कि 6%, ये आपका मिनिमम रिस्क होगा। मैक्सिमम रिस्क है 18, मिनिमम है 6। जिस बार जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल था ये 7। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलेगा, तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटर है। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें आपको दिया है मोहित बाइंग 30,000 ऑफ स्टॉक एक्स। तो मोहित ने एक स्टॉक एक्स जो है वो बाय किया है ₹30,000 एंड सेल से शोल्ड ₹10,000 ऑफ स्टॉक वाई, और वाई स्टॉक हमने सेल कर दिया है। हमने लिखा है सेल से शोल्ड का मतलब क्या, हमने एडवांस में सेल कर दिया सेल से ₹10,000 ऑफ स्टॉक वाई। तो जब हम बाय कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट हो रही है आउटफ्लो है, जब सेल करके ये इनफ्लो होता है।
एंड यूजिंग ऑल ऑफ द प्रोसीजन टू बाय मोर ऑफ स्टॉक एक्स। और ये जो पैसा आया है ये सारा हमने एक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, जिसे इन्वेस्टिंग इन एक्स ने, उसमें प्लस अब हो गया आपका 10,000, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 40,000। इसकी तो इनफ्लो हम रखते हैं नेगेटिव, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी वही रहेगी 30,000। तो इससे अब आप वेट निकाल सकते हैं, जैसे जो 40/30 4/3 एंड 10/ ये आ गया -1/3। इसमें जो शॉर्ट सेलिंग होती है सेल गैस लाइक बोरोइंग, इनफ्लो आ रहा है पैसा आ रहा है, उसका वेट नेगेटिव होता है। बस आपको एक ये है, अब इनके दोनों के कोरिलेशन दिए हैं इन बिटवीन एक्स वाई 0.45, रिकरन दिए आपको, तो रिकरन ऑफ एक सिक्योरिटी रिकरन है 15.10% में, और उनके रिस्क लिए स्टैंडर्डाइजेशन 10 और 12 रिस्पेक्टिवली। आपको फाइंड आउट करना है वट इज रिकरन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मोहित पोर्टफोलियो। तो सिंपल है, नंबर 1 रिकरन ऑफ पोर्टफोलियो, एफ सी एफ ओ कितनी रिकरन है 15, उसका वेट है 4/3। फिर वाई की रिकरन है 10, पर उसका वेट है -1/3, क्योंकि ये आपने सेल कर दिया है उसमें हमें पोर्टफोलियो की लॉस हो जाएगा, जिसे जो 20 -3.33, तो 16.67% आपकी रिकरन आएगी। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो पहले वेरियंस आएगा, रिस्क ऑफ ए 10 स्क्वेयर, वेट का स्क्वेयर 4/3, रिस्क ऑफ बी 12, वेट -1/3 स्क्वेयर, +2 × 4 रिलेशन 0.45, तो (10) (12). ये बन गया आपका कोवेरियंस, वेट 4/3, वेट -1/3, जैसे 100 × 1600 upon 9, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, जिस इज ऑल्सो 12 स्क्वेयर 144/9, ये माइनस में आ जाएगा आपका 3 × 3 = 9.9 × 10 9 9 × 48, तो 9 × 48 जिस इज 432, जिस इज अवर 17 44 -4 32 13 1 / 9, तो 145.7 बट एंगल डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अंडर रूट 145.7 जिसे 12.074, ये आपका रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9, इसमें ऊपर आपको ये है पोर्टफोलियो 4 एसेट्स ए बी सी डी, वेट्स ऑफ डी गेट, आपके पास एसेट्स हैं ए बी सी डी, उनके वेट्स आपको दिए हैं डब्ल्यू, मीन्स जो आपने ऑफ इन ए पोर्टफोलियो 0.23 एंड जो वेरियांस है, और उनके वेरियांस ही आपको दिए हैं ऑफ एसेट्स 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, और फिर आपको उनका कोवेरियंस का मैट्रिक्स दिया है, कोवेरियंस आपको दिए हैं, जैसे जिसे ये रिकनाइज कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो आपको इस तरीके से दिया है जैसे ये ए बी सी एंड बी सी डी, कोवेरियंस ए का है तीनों के साथ 0.01, जैसे जो 0.025, फिर बी का है आपका सी के साथ 0.00, 0.01, फिर सी का है डी के साथ जिसे आल्सो 0.00, ये कोवेरियंस है। तो आपको फाइंड आउट करना है वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिस्क आपको फाइंड आउट करना है, और इसमें 4 सिक्योरिटीज है। चलो पहले फार्मा को इंडिविजुअल रिस्क आ जाएगा, ये को रिस्क भी है वेरियंस भी है, पहले बस आपको लेना है 0.01, वेट का स्क्वेयर करेंगे 0.02, वेट का स्क्वेयर 0.3 स्क्वेयर, वेरियंस 0.04, वेट के लिए 0.3 स्क्वेयर, 0.08, 0.02 स्क्वेयर,
फिर आपको लेना है 2 टाइम्स कोवेरियंसिज। पर इसमें आप देखोगे एक दो तीन कोवेरियंस को जीरो ही हो गए, तो बस आपका रह गया ए बी का, ए जी और बी जी। तो पहले देखते हैं कोवेरियंस ऑफ ए बी, जिसे जो 0.01 कोवेरियंस दिया है, तो इनको चाहिए वेट ऑफ ए एंड ऑफ बी 0.2 0.3। फिर ए का जी के साथ कोवेरियंस है आपका 0.025, देख लेना है ए का और जी का 0.2 0.2। कोवेरियंस बी का जी के साथ है 0.01, बी और जी का वेट है 0.3 0.2। इसको सोल्व कर देखिए, तो सारा गैसीमल में चल रहा है आपका 0.04 0.09 0.0018 0.0036 0.04 0.0032 3 2 6 2 12 0.0012 4 0.025 0.04 2 0.0020 प्लस 0.06 0.06 0.01 0.0012। तो सारे 4 डेसिमल में चल रहे हैं, इनको ऐड कर देते हैं, जैसे 4 8 22 एंड 36। 58 प्लस 32 90 प्लस जिस 102 प्लस 20 एंड 12 32 134 0.0134, ये आपका वेरियांस आ जाएगा कोर्स। आइंस्टाइन की डिवीजन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ डी आस्क इसका कर लीजिए अंडर रूट 0.0134 एंड 0.0134 अंडर रूट 0.115। ये भी एक नया क्वेश्चन था, 4 जब सिक्योरिटी ज्यादा रखे हैं उसका हमें कैसे करना है। इसमें बाई चांस 3 कोवेरियंस हमारे 0 हो गए, इसलिए वो इग्नोर हो गए। नेक्स्ट ये था एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है नंबर 10। इसमें आपको दिया है इन्वेस्टर कंबाइन से टू रिस्की सिक्योरिटीज इन इक्वल प्रपोर्शन। देखो दो सिक्योरिटीज हैं आपकी 1 एंड 2, उसका वेट रखना है इक्वल, मीन्स 0.5 0.5। इफ बोथ सिक्योरिटी हैव सेम वेरियंस, उनका जो वेरियंस है वो भी सेम है, लेकिन से ए एंड रिजल्टिंग पोर्टफोलियो है जो वेरियांस इक्वल टू 1/4 का वेरियांस ऑफ इक्वल सिक्योरिटी। अब इनको मिला के जो पोर्टफोलियो बनेगा, उनको पोर्टफोलियो का वेरियांस आएगा जिसे 1/4 ऑफ वेरियांस ऑफ इक्वल सिक्योरिटी। इट मीन्स पोर्टफोलियो का जो वेरियांस है जैसे 1/4 ऑफ ए ए बाई 4। तो वट इज को रिलेशन, तो आपको बताना है दोनों सिक्योरिटीज का आपस में को रिलेशन क्या है, ये आपका मिसिंग है। तो अप्लाई करके फार्मूला पोर्टफोलियो वेरियंस, तो दिस इज इक्वल टू देखो पोर्टफोलियो का जो वेरियंस है जैसे जो वेरियंस हो 1 × W1 वेरियंस हो 2 × W2 प्लस 2 टाइम कोरिलेशन ऑफ 1 × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 W1 W2। तो कुछ करते हैं, पोर्टफोलियो का वेरियंस है ए बाई 4, इसका वेरियंस है ए इनटू 0.5 स्क्वेयर, जिसी आल्सो ए इनटू 0.5 स्क्वेयर। अब इसमें कोरिलेशन मिसिंग है आपका, कोरिलेशन ऑफ 1 × 2, इसका स्ट्रेंगुलेशन क्या आएगा, ये वेरियंस है स्ट्रेंगुलेशन आएगा रूट ए जिसी आल्सो रूट ए 0.5 0.5। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.25, ये आपका कॉमन आ जाएगा 0.25। सो हियर वी आर लेफ्ट विद ए प्लस दिस इज आल्सो ए 2 ए
इनटू कोरिलेशन ऑफ वन इनटू, इसमें से आप देखेंगे दिस इज ए बाई फोर, 0.25 इज ऑल्सो 1/4, इसमें भी देखो ए ए कॉमन आ जाएगा आपका इनटू ए, और रह गया आपका 1+1 टू प्लस टू कोरिलेशन, दिस विल गो हेयर, दिस विल कट हो जाएगा, ये रह गया 1=2 + 2 इंटू कोरिलेशन ऑफ 1:2, टू इधर जाके माइनस हो जाएगा आपका, जैसे -1=2 इंटू कोरिलेशन ऑफ 1:2, तो उससे कोरिलेशन आ गया आपका -1/2 -0.5, जैसे ये तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है। थैंक यू।